राहुल बेटे देख, सारी की सारी लकड़ियां जलने वाली हैं। सब लकड़ी जल गई, जाके कहीं से दो चार लकड़ी बीन के ले आ। इस साल से ज्यादा ठंड पड़ते हुए मैंने अपने गांव में कभी नहीं देखा। बर्फ गिर रही है ऊपर से। मम्मी जी बहुत ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है आपको छोड़ के कहीं पे ना जाऊं। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मैं तो लकड़ी बीनने के लिए नहीं जाऊंगा कहीं। देख मेरे बेटे राहुल, आपको छोड़ के लकड़ी ढूंढ के और लाना पड़ेगी। अगर ये आग बुझ गई फिर और ज्यादा ठंड लगेगी, जाके थोड़ी सी लकड़ी ढूंढ के ले आ कहीं से। मम्मी जी मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये मायावती जी भी तो आग के पास बैठी हुई है, इन्हें लकड़ी लाने को बोलो। राहुल बिल्कुल तू सही कह रहा है, बहन मायावती जी जाओ कहीं से जाके थोड़ी सी लकड़ियाँ ढूंढ के ले आओ, नहीं तो ये आग बुझ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे मायावती जी चुप कैसे बैठी हो, मम्मी जी ने क्या बोला उनकी बात को सुनो तो। अरे राहुल मेरा भी मन नहीं कर रहा है इस आग को छोड़ के कहीं जाने का। बहन सोनिया जी आप ये काम बहुत अच्छा कर रही हो, मेरे और राहुल के ऊपर केले का बड़ा सा पत्ता रखे हुए हो, क्योंकि केले के पत्ते से जो ऊपर से बर्फ गिर रही है वो रुक जा रही है, हमारे ऊपर नहीं गिर रही है। अरे मोदी जी आ रहे हैं बहन सोनिया जी। बहन सोनिया जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आप मेरे घर के सामने बैठकर आग जला रही हो, सारा का सारा फर्श गंदा कर दिया तुमने लकड़ियों को जलाकर। मोदी जी कैसी बात करते हो, बर्फ इतनी ज्यादा पड़ रही है, थोड़े दिन में ये बर्फ गिरना बंद हो जाएगी, उसके बाद हम दूसरी जगह चले जाएंगे। कम से कम जब तक ये बर्फ पड़ रही है तब तक यहीं पे बैठ के हमें आराम से लकड़ियां जलाकर इस ठंड को भगाने दो। और ये देखो मैंने गुजिया बनाई है कुछ, लो ये गुजिया खा लो मोदी जी। चलो कोई बात नहीं है बहन सोनिया जी, जब तक ये बर्फ गिरना बंद नहीं हो जाती आराम से लकड़ियां जलाकर यहीं पे बैठी रहो आग के पास। और रही गुजिया की बात, एक गुजिया उठा के देना, गुजिया खाना तो मुझे बहुत पसंद है। मम्मी जी सुबह से आप कटोरे में गुजिया बना के बैठी हो, मोदी जी को तो आपने गुजिया दे दी, सुबह से मुझे एक गुजिया नहीं दी है। कम से कम मुझे तो एक गुजिया उठा के दे दो, इस ठंड में भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी आप तो हमें अच्छी तरीके से जानते ही हो, पहले भी कई बार मिल चुके हैं, पड़ोस के गांव में रहते हैं हम। हमें अपने गांव में सुनने को मिला कि लालू जी पड़ोस वाले गांव में भैंस बेच रहे हैं, भैंस की हमें जरूरत थी, तुरंत आपके पास खरीदने के लिए चले आए। अभी तक तो लोगों के मुंह से सुना कि आप भैंस बेच रहे हो, आप अब बताओ भैंस बेचोगी अपनी? बिल्कुल मोदी जी आपने बिल्कुल सही सुना, हम भैंस बेचने के लिए तैयार है, अगर अच्छे दाम में बिक जाए तो। देखो लालू जी आप अपना रेट बताओ, कितने रुपए की इस भैंस को बेचोगे, अगर हमें अच्छा लगेगा दाम तो हम खरीद लेंगे। मोदी जी पहले तो मैं इस भैंस को 50,000 रुपए की खरीद के लाया था, आप 50,000 ही रुपए दे देना, और ज्यादा रुपए थोड़ी लूंगा मैं आपसे, जितने की लाया था उतने ही रुपए की बेच दे रहा हूँ आपको। पहले खरीद के लाए थे, पहले कितने पहले खरीद के लाए थे आप लालू जी इस भैंस को? मोदी जी ये लालू जी 1 साल पहले इस भैंस को खरीद के लाए थे। लालू जी कैसी बात कर रहे हो, ये भाई साहब बता रहे हैं इस भैंस को आप 1 साल पहले खरीद के लाए थे, 1 साल में और अब में फर्क है, टाइम के साथ साथ भैंस का दाम कम होता जाता है। और ये बताइए इस टाइम ये भैंस कितना दूध दे रही है? देखो मोदी जी दूध दूध की तो कोई गारंटी है नहीं, कभी 2 लीटर दूध दे देती है, कभी 4 लीटर, कभी 10 लीटर, इस भैंस के मूड की बात है, जब इसका मूड होता है उतना दूध देती है। और रही दाम की बात, थोड़ा बहुत कम पैसे दे दो 50,000 में से, अगर 1 साल हो गया भैंस को लाए हुए मुझे। तो लालू जी आप ही बता दो कितने रुपए कम देते मोदी जी आपको? भाई साहब आपसे बात नहीं हो रही है, बात मोदी जी से हो रही है। अरे लालू जी नाराज क्यों होते हो, योगी जी को, अखिलेश को, शिवराज सिंह जी को मैं अपने साथ ही लाया हूँ भैंस खरीदने के लिए। और एक बात बताओ इस भैंस का दूध पतला तो नहीं होता है? पतले दूध के बारे में मोदी जी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, जिस दिन इस भैंस को ज्यादा पानी पिला देता हूँ उस दिन ये पतला दूध देती है। अखिलेश कैसे चुप बैठी हो, कितने रुपए में इस भैंस को खरीद लूं तुम ही बताओ? योगी जी शिवराज सिंह जी कुछ तो बोलो, कितने रुपए में खरीदूं? तुम्हें यहाँ बैठाने के लिए थोड़ी लाया हूँ, अब तुमने लालू जी की बात सुन ली, कितने रुपए में ये भैंस ठीक रहेगी? मोदी जी मेरे हिसाब से तो इस भैंस को 30,000 रुपए में खरीद लो। अखिलेश 30,000 तो मैं भी कहने वाला था, लालू जी 30,000 रुपए में भैंस देना है दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लालू जी अच्छे दाम में भैंस जा रही है, 30,000 में दे दो। चलो केजरीवाल जी अगर तुम कहते हो तो 30,000 में मोदी जी को इस भैंस को बेच देता हूँ। वैसे भी केजरीवाल जी मैं इस भैंस से परेशान हो गया था। ठीक है मोदी जी 30,000 में ये भैंस आपकी हुई। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे मोदी जी, नींबू क्या रेट बेच रहे हो? नींबू का रेट बताना जरा। राहुल, तुम मुझसे लगातार नींबू लेते हो, इसीलिए मैं तुम्हें सस्ता ही लगाऊंगा। वैसे तो मैं 12 का एक नींबू बेच रहा हूँ, तुम्हें 10 का एक नींबू लगेगा, बिल्कुल एक रेट। अरे 8 का एक नींबू, 8 का एक नींबू, 8 का एक नींबू, ले लो, लुट गया, बिल्कुल मोटा मोटा बड़ा बड़ा नींबू। अरे मोदी जी, वो योगी जी तो 8 का एक बेच रहे हैं और तुम 10 का एक बता रहे हो। तुम्हारा नींबू छोटा भी है, उनका नींबू कितना बड़ा बड़ा है देखो। अरे राहुल, योगी जी के नींबू में बिल्कुल रस नहीं है, वो देखने के बड़े हैं बस, और ये मेरे देखो छोटे नींबू हैं, लेकिन रस से भरे हुए हैं, बहुत रस है इनमें। ले जाओ मेरे कहने से। 5 का एक, 5 का एक, 5 का एक, लुट गया नींबू, लुट गया नींबू, 5 का एक नींबू, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ, बिल्कुल पीला और रस से भरा हुआ। अरे मोदी जी, अब तो वो 5 का एक बेचने लगे और कह रहे हैं रस से भरा हुआ है उनका नींबू, आवाज लगा रहे हैं। क्या जाऊं मैं उनके पास? उनके रेट में लगाओ तो मैं तुमसे लूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। राहुल, ये योगी जी तो मेरा धंधा चौपट करने के लिए बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, 5 का एक ही लगाता हूं मैं तुम्हें। कितने लोगे बताओ? 3 का एक, 3 का एक, 3 का एक नींबू, 3 का एक नींबू, रस से भरा हुआ नींबू, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ भाई, लुट गया, लुट गया। अरे मोदी जी, अब तुम मत दो, वो तो 3 का एक देने लगे। 3 का एक लगाओ तो दे दो, नहीं तो मत दो। लाओ जरा, 3 का एक लगाता हूँ भाई, क्या करूँ, तुम पुराने कस्टमर हो, कटने भी नहीं दे सकता मैं तुम्हें। 1 का एक, 1 का एक, 1 का नींबू एक, ले जाओ, ले जाओ भाई, रस से भरे हुए। अरे मोदी जी, वो तो अब 1 का एक बेचने लगे, मैं वही जा रहा हूँ। ऐसा कर राहुल, तू ये फ्री में ले जा नींबू, ले ले जा, मैं दे देता हूँ, ले। ये योगी जी तो धंधा करने नहीं देंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मोदी जी, आखिरी कुश्ती में मैंने आखिरी दांव बचा कर रखा था, देखा मेरा आखिरी दांव, लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है कि मेरा आखिरी दांव भी तुम्हें इस कुश्ती में नहीं हरा पाएगा, क्योंकि तुमने मेरे पैर को अपने दोनों पैरों से बुरी तरीके से जकड़ रखा है और तुम पूरी तरीके से चित हो ही नहीं पा रहे हो। मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ फिर भी। राहुल, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा यह आखिरी दांव थोड़ा सा कामयाब हो गया, क्योंकि तुमने मुझे गिरा तो दिया जमीन पर, लेकिन चित मुझे नहीं कर पाओगे। और इस कुश्ती के खेल में जब तक एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित नहीं कर देता है, तब तक वो जीत नहीं पाता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैर को अपने दोनों पैरों से बुरी तरीके से जकड़ रखा है और तुम्हारे हाथों को भी पकड़ रखा है। अब कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें उल्टा गिरा दूं। मोदी जी, आखिरी दांव तो मैंने फेंका था, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं मैं उल्टा ना गिर जाऊं। मोदी जी, जोर लगाओ, जोर लगाओ, राहुल की टांग को बिल्कुल बुरी तरीके से दबा दो और उसके हाथों को खींच लो। तुम राहुल को गिरा सकती हो, इस कुश्ती को जीत सकती हो। माना के 10 सालों से तुम्हारी दोनों की कुश्ती बराबर पर छूटती आ रही है, भले ही आखिरी दांव राहुल ने चल दिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आखिरी दांव तुम्हारा बाकी है और तुम राहुल को हरा सकती हो। अरे जाओ लालू जी, इस टाइम मोदी जी जमीन पर है, राहुल तो अभी खड़ा हुआ है, तो राहुल कैसे हर सकता है? मुझे तो इस कुश्ती में ज्यादातर हरने के चांस मोदी जी के लग रहे हैं। अखिलेश, तुम गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। इस कुश्ती में ज्यादातर जीतने के चांस मोदी जी के हैं। देख नहीं रहे हो, मोदी जी भले ही जमीन पर हो, लेकिन अभी वो चित्त थोड़ी हुए और उन्होंने राहुल की टांग को बुरी तरीके से जकड़ रखा है। वो उल्टा गिरा देंगे राहुल को जमीन पर। मोदी जी, जोर लगाओ, जोर से जोर लगाओ, राहुल को नीचे गिरा दो। अरे क्या हो वैसी जी, कह रहे हो कि जोर लगाओ, जोर लगाओ। मुझे लगता है ये कुश्ती फिर से बराबर पर छूटेगी। न इस कुश्ती को राहुल जीतेगा, न मोदी जी जीतेंगे, मुझे तो ऐसी लग रहा है। बाकी तो पूरा गांव देख ही रहा है, देखते हैं क्या होता है। पूरे 10 साल से कुश्ती देखते आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की कुश्ती बराबर पे ही छूट जाती है। अब देखो, ऐसा लगा था राहुल मोदी जी को गिरा देगा, लेकिन मोदी जी ने अपनी आखिरी दांव खेलकर राहुल के पैरों को ही जकड़ लिया बुरी तरीके से, इसीलिए वो पूरी तरीके से गिर नहीं पाए। अब ये कुश्ती बराबर पर छूट जाएगी। अब फिर से अगले साल का इंतजार करना होगा दंगल का। और भाई लोगों को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।